फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं वहीं से लेके आया हूँ जहाँ का मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, और उस वीडियो पर जो कमेंट थे भाई लोगों के, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप जब वीडियो बनाते हो तो आसपास का जो एरिया है ना, मैंने बोला था कि जंगल है ये तार तरफ, तो वो कहते हैं वो जंगल नहीं दिखाया आपने। तो भाई, जंगल मैंने वैसे तो नहीं फिल्माया, लेकिन हाँ उस जगह को मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ आते हैं, ये मैंने पहाड़ों के ऊपर से ले रखा है, वो पूरा एरिया है, ये सारा का सारा वही एरिया है जहाँ पर वो एक पानी का स्रोत है, और उस पानी के स्रोत के बारे में जब मैंने बताया था तो मैंने आसपास का एरिया नहीं दिखाता, लेकिन ये जो शॉट है जो आप दिख रहे हो, ये देखो यहाँ पर ये जो टीले दिख रहे हैं रेत के, यहाँ पर है वो जगह। ये जो जगह है जहाँ इतने सारे पिकॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो पहाड़ों के बीच में और रेत के टीले थे ना, पहाड़ों के ऊपर से देखो यहाँ से पता नहीं कब, 100 साल, 200-500 साल पहले ऊपर से ये इतने बड़े पत्थर आके ऊपर से गिरे हुए हैं आसपास। और ये कुट्टी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुट्टी नहीं, ये जो पानी की जगह है, ये हमारे यहाँ देसी भाषा में इसको खेड़ बोलते हैं, खेड़। तो ये जो पानी है जो उस महात्मा ने कर रखा है, महात्मा जी के एक वीडियो मैंने बहुत साल पहले यानी 3 साल पहले 19 में डाला था। बाकी ये जो चारों तरफ का एरिया है इसको वैसे मैंने दिखाया है पहाड़ के ऊपर से, ये उसी समय का नहीं है जब वो पिकॉक्स थे, क्योंकि इसमें हल्की सी हरियाली दिखाई दे रही है, और गर्मियों के ढलने के बाद में जो टाइम होता है वहाँ हरियाली शुरू हो जाती है। और जो पिकॉक्स वाला वीडियो है वो बिल्कुल जून के महीने का है, जून के महीने में पिकॉक इस तरीके से पानी के स्रोत पर इकट्ठे होते हैं, बाकी जंगल में अब इस समय बरसाती मौसम में नहीं होते। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।